हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम आज इंटरेस्ट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर एलटीडी के बारे में। एक फुटवेयर कंपनी है, एक मल्टीनेशनल फुटवेयर कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है फुटवेयर्स का। सो गाइस, हम बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रिलैक्सो फुटवेयर एलटीडी, जिसका शेयर प्राइस है 1015 रुपये का, और इसमें आज अच्छा खासा शुरू में जंप देखने को मिला था। 1056 रुपये तक का इसमें जंप देखने को मिला था बट शेयर मार्केट एंड तक डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट भी आज अच्छा खासा वोलेटाइल था और डाउन ही था। तो आप देख सकते हो 5 दिन के टाइम फ्रेम पर इस शेयर 900 से सीधा 1000 तक गया है। 900 से सीधा यह शेयर 1000 तक गया है, और 1 मंथ के चार्ट फ्रेम पर देखें तो ये शेयर 860 तक भी नीचे चले गया था, और अब ये शेयर है 1015 तक। इसके Q4 इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप है 25,000 करोड़ का, इसका मार्केट कैप है। अगर इसके Q4 के रिजल्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो 97% का इसमें जंप हुआ है, 102 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट कमाया है। एक कारण भी हो सकता है कि ये शेयर आगे भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आप देख सकते हो 102 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये शेयर कल आगे जा सकता है। अब देख सकते हो यहाँ पर 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट। द कंपनी हैड प्रॉफिट एज ऑफ ₹51 करोड़ इन जनवरी मार्च में इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था उसमें 51 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया था, बट अब ये 102 हो गया है। 90% का इसमें जंप देखने को मिला। सो गाइस, अगर आपको, और आप देख सकते हो द बोर्ड इज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 2.50 पैसे का इन्होंने फाइनल डिविडेंड देने का पर इक्विटी शेयर पर इन्होंने 2.50 डिविडेंड देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सो गाइस, अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा मल्टीप्लायर स्टॉक शेयर है। आप देख सकते हो 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और नेट प्रॉफिट भी इसका 102 करोड़ तक का हुआ है। इस कंपनी में जो भी डेप्थ है वो इससे आराम से चुका सकती है, और एक आगे भी ग्रोथ कर सकती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।